हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू टुडे? आई एम गोइंग टू टीच यू किंगडम प्रोटिस्टा इन जूलॉजी सेक्शन। तो वी ऑल आर स्टडी अबाउट करेक्टर्स फीचर्स ऑफ प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म एज वेल एज सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। So, now we start. The first definition is, what is protista? So, protista are those living beings which is made up of well-developed cellular structure. This means protista living beings are made up of eukaryotic cell. Jitne bhi protist ke अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं सभी बेल सेलुलर स्ट्रक्चर्स इनके अंदर पाए जाते हैं और सभी यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल का मीनिंग आपको बताया गया है। यूकैरियोटिक सेल क्या है तो आप देखते हैं यहाँ पे, यूकैरियोटिक सेल मतलब क्या है। यूकैरियोटिक सेल मीन्स ए सेल विच acquire nucleus with nuclear membrane. Okay, now general character of protista. The first some important general character of protista are as follows. First character is, these are unicellular and most of the protists are microscopic. तो आप देखते हैं यहाँ पे microscopic, यानी व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक मीन्स एन ऑर्गेनिक वी कैन सी बाई या विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ओनली, वी कैन नॉट सी विदाउट नेकेड आई। तो ऑर्गेनिज्म ऑफ प्रोटिस्ट आर माइक्रोस्कोप, क्लियर दैट। एंड आल्सो यूनिसेलुलर, एंड आल्सो क्या है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये यूनिसेलुलर हैं और माइक्रोस्कोपिक हैं। एंड नेक्स्ट करेक्टर इज, लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। जितने भी इस किंगडम के ऑर्गेनिज्म हैं सभी यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। यूकैरियोटिक सेल मीन्स एन ऑर्गेनिज्म which is made up of a well developed nucleus of the cell. And next character is, these are unicellular animal and have nuclear and other cellular organs. जितने भी organism हैं वो सभी clear nuclear means a nucleus surrounded by nuclear membrane and well developed cellular organs and unicellular means a total life span of an organism passes only in a single cell. Okay, now next character is, most of the protists are motile and they can move with the help of cilia and flagella. One word here, cilia and flagella. सीलिया एंड फ्लैजला मूव, मोटाइल मीन्स मूव करना, विद द हेल्प ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला। तो फ्लैजला और सीलिया की एग्जाम्पल, जैसे सीलिया पैरामीशियम में पाए जाते हैं, फ्लैजला यूगलिना में पाए जाते हैं। तो इनके ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं प्रोटिस्ट के, और इसके हेल्प से ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर न्यूट्रिशन, फॉर कैप्चरिंग द प्रे, फॉर रिप्रोडक्शन एंड अदर बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, प्रोटिस्ट फाउंड एवरीवेयर आर प्रेजेंट इन एयर, वाटर, ड्राई, इवन इन द अदर लिविंग बॉडी ऑर्गन एज ए पैरासाइट। इसका मतलब हुआ कि जितने भी प्रोटिस्ट हैं वो सभी जगह पाए जाते हैं। एवरीवेयर आर प्रेजेंट इन एयर water and dry places, even though
they are found inside the living organism as a parasite. इस किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो पानी हो, हवा हो, एयर, वाटर एंड ड्राई प्लेसेस, और दूसरे ऑर्गन के इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर भी पाए जाते हैं, जिसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं. और इंटरनल ऑर्गन में पाए जाने पैरासाइट को हम लोग इंडो पैरासाइट्स कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रोटिस्ट आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोटोजोआन स्लिम बोट एंड दे आर आल्सो इन द फॉर्म ऑफ द एटम्स. प्रोटिस्ट को हम प्रोटोजोआंस भी कहते हैं, यानी कि जितने भी इस किंगडम में ऑर्गन जाते हैं सभी प्रोटोजोआंस कहलाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, इन ऑल प्रोटीज देयर आर नो एनी क्लियर बॉडी ऑर्गन आर प्रेजेंट बॉडी यूनिसेलुलर एंड ऑल द लिविंग एक्टिविटी आर कंप्लीटेड बाय द सिंगल सेल. प्रोटिस्ट के अंदर कोई क्लियर ऑर्गन नहीं है, जैसे कि हम लोग जो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स ऑर्गेनिज्म हैं, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स बॉडी के अंदर पाए जाते हैं जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम को फॉलो करते हैं और बायोलॉजिकल प्रोसेस में हमारी हेल्प करते हैं, ऐसे ऑर्गन्स हमारे इसमें नहीं पाए जाते हैं. बट सिंगल सेल के अंदर जितनी भी कंप्लीट बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं सभी सिंगल सेल के अंदर पाई जाती हैं. नाउ नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ प्रोटिस्ट आर होलोजोइक इन नेचर बट इन सम प्रोटिस्ट फूड मेकिंग प्रोसेस एंड आल्सो टेक्स प्लेस ड्यू टू द ऑटोट्रॉफ इन नेचर. तो यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, तो आप देखेंगे पहला है होलोजोइक एंड दूसरा है ऑटोट्रॉफ्स. तो व्हाट डू यू मीन बाय होलोजोइक? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड डायरेक्टली taking in food inside the body or maybe buccal cavity or mouth or maybe directly food making a food vacuoles, just like a amoeba. ये engulfing process से पूरे अपने nutrition को, यानी कि अपने nutrient part को, ये bacteria को engulf करता है और फिर उसको digest करके अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेस को पूरा करता है. ऑटोट्रॉफ्स मीन्स होता है एन ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सम ग्रीन पिगमेंट दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल. तो प्रोटिस्ट, सम प्रोटिस्ट लाइक युगलिना इज ऑटोट्रॉफ एज वेल एज होलोजोइक, बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन युगलिना. मीन्स ऑटोट्रॉफ इन नेचर का मतलब होता है कि उसके अंदर क्लोरोफिल जैसी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और वो ऑटोट्रॉपिक यानी अपना भोजन स्वयं बनाने में उसकी हेल्प करते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं डायटम, स्लिमोड, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना एंड प्लाज्मोडियम एसेट्रा. नाउ जनरल करेक्टर ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के क्या करेक्टर्स हैं? तो सम यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक विच आर यूकैरियोटिक दे आर कॉल्ड प्रोटोजोआ एंड जनरल करेक्टर्स आर एज फॉलो. प्रोटोजोआंस भी जस्ट प्रोटिस्ट हैं, प्रोटिस्ट ही इनको कहा जाता है. सारे करेक्टर प्रोटिस्ट के प्रोटोजोआंस में पाए जाते हैं और इनके कुछ करेक्टर आपको नीचे बताए जा रहे हैं. तो पहला करेक्टर है दीज आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक लिविंग बींग्स. सभी प्रोटोजोआंस ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं. तो ये बार बार आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि यूनिसेलुलर मीन्स क्या है, यानी ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड आर प्रोसेस्ड ओनली वन सेल. एंड यूकैरियोटिक मीन्स द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर इनक्लोज बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यू नो वेरी वेल. नाउ नेक्स्ट, इन दीज सेल क्लियर न्यूक्लियर एंड अदर सेलुलर ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. इन सेल के जो न्यूक्लियर हैं वो बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, क्योंकि यूकैरियोटिक है, सेपरेटेड है साइटोप्लाज्म से और सभी ऑर्गन्स इसके मौजूद होते हैं.
All the living beings of protozoan have single cell, but they do not have their clear body organ. सभी प्रोटोजोआन, जैसे प्रोटिस्ट में भी यही सारे करेक्टर्स थे, तो सब प्रोटोजोआन और प्रोटिस्ट में नो डिफरेंस. तो सिंगल सेल के ये होते हैं यूनिसेलुलर, और इनके अंदर कोई जो बॉडी ऑर्गन से वो क्लियर नहीं होते हैं. ऑल द प्रोटोजोआ टू कंप्लीट देयर लिविंग एक्टिविटीज बाय देयर ऑन ए सिंगल सेल. अपनी पूरी लिविंग एक्टिविटी जितने भी प्रोटोजोआंस हैं सभी एक सिंगल सेल पर अपनी एक्टिविटीज को ये पूरा कर लेते हैं. प्रोटोजोआन आर वर्ल्ड वाइड एंड दे आर फाउंड इन एवरीवेयर, मींस ये वर्ल्ड में कहीं हर जगह पाए जाते हैं, और चाहे वो एयर हो, वाटर हो, मॉइस्चर हो, सॉयल हो, इवन दो लिविंग ऑर्गन के अंदर हो, सब जगह ये पाए जाते हैं. सम प्रोटोजोआन आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल इन द फॉर्म ऑफ पैरासाइट. कुछ एनिमल के अंदर ये पाए जाते हैं जो पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं, तो ये दूसरे बॉडी के अंदर भी, दूसरे एनिमल के अंदर भी ये पाए जाते हैं पैरासाइट के. सम प्रोटोजोआंस हैव क्लोरोप्लास्ट एंड दे हैव कैपेबल टू सिंथेसाइज देयर ऑन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. तो जैसे कि आपको पता है कि व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज ए सेल ऑर्गेनल्स विच प्रोड्यूसेस ए ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल. क्लोरोफिल मेन फंक्शन इज ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस टू फॉर्म देयर ऑन फूड. दे कैपेबल टू बी सिंथेसाइज देयर ऑन फूड बाई द फोटोसिंथेसिस. एग्जाम्पल इसका युगलीना है. नॉर्मली प्रोटोजोआंस आर रिप्रोड्यूस बाई सेक्सुअली आर एसेक्सुअली. जो इनका प्रोटोजोआंस का जो रिप्रोडक्शन मोड है वो सेक्सुअली भी है और एसेक्सुअली भी है. युगलीना, पैरामीशियम, अमीबा, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटोजोआंस. तो सम क्वेश्चन हियर फॉर यू, नेम ऑफ वन फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोआन. तो युगलीना इज सच टाइप ऑफ प्रोटोजोआन विच हैव क्लोरोप्लास्ट एंड ड्यू टू दिस इट इज ए फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोआन. क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोआंस कौन सा है. अब फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोआंस मतलब हुआ कि ऐसे प्रोटोजोआंस ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, टू फॉर्म देयर फूड इटसेल्फ. एग्जाम्पल इज युगलीना. नाउ नेम टू ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोआन एंड ऑल्सो मेंशन डिसीजेस कॉज्ड बाय द पैरासिटिक प्रोटोजोआन. तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स. ये प्लाज्मोडियम जो वाइवैक्स है ये मलेरिया कॉज करता है. प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज ए प्रोटोजोआन विच कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमंस. ओके, नेक्स्ट इज एंटमीबा हिस्टोलिका. एंटमीबा हिस्टोलिका ये जो है ये इट इज नेम ऑफ प्रोटोजोआन विच कॉजेज डिसीज द एनोमिक डिसेंट्री. एनोमिक डिसेंट्री ये कॉज करता है. कौन? एंटमीबा हिस्टोलिका. एंटमीबा जिंजैलिस. एंटमीबा जिंजैलिस टू काजेस द पैरिया. पैरिया इज द टीथ डिसीज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेमिंग टू यूनिफ्लैजिलेटल प्रोटोजोआन. तो यूनिफ्लैजिलेटल जिसके अंदर एक फ्लैजिला पाया जाता है लोकोमोटरी ऑर्गन, दैट इज का ट्रिपैनोसोमा एंड युगलीना इज ए यूनिफ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस. नेम टू एनिमल विच लोकोमोट थ्रू देयर सीलिया मीन्स पैरामीशियम एंड वर्टिशेला. सो थैंक यू वेरी मच.
मैं एसपी सिंह, मेरा मोबाइल नंबर इस पूरे वीडियो के अंदर पड़ा हुआ है। जिस बच्चे को कहीं पर भी इनके जनरल फीचर्स में, इनके मेन टेक्निकल वर्ड में कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और मुझसे अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।